So technically we were supposed to start unit 6, लेकिन unit 6 will not be finished in half an hour time. It will take time. उसमें कुछ terms है जो मुझे explain करने पड़ेंगे, और इसमें का खास करके जो ये accounting estimate करके last वाला जो point है, that is relevant, more important from the examination perspective. ठीक है, क्योंकि आपको बहुत सारे एस्टिमेट करने पड़ते हैं. वी कैन नॉट हैव प्रिसाइज अकाउंटिंग, तो हमें एस्टिमेशन पे करना होता है. दैट वी विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. दैट वुड बी द लास्ट लेक्चर ऑफ अकाउंटिंग मोस्टली, मतलब थियोरेटिकल फ्रेमवर्क का. तो उसके पहले जो छोटे छोटे टॉपिक है आगे के यूनिट्स के, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये पूरा चैप्टर उन्होंने लिखा और लास्ट में लिखा है कि आपके सिलेबस में नहीं है. मैं पहले आपको बता दें तो बाद में क्या, लास्ट पहली बार जब मैंने पढ़ाया ना, मैं बहुत जो जिसमें बहुत टाइम तक पढ़ाया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और लास्ट में जाके पता चला अरे यार दिस इज गिवन ओनली फॉर द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट. तो जब सिलेबस में नहीं है तो क्यों दिया फिर बताओ. इंस्टीट्यूट ने 12 पेज वेस्ट करने के लिए आपको दिया है क्या? नहीं, उन्होंने आपको बताने का ट्राई कर रहे कि कुछ कुछ चीजें सिलेबस में नहीं भी होती फिर भी पढ़ लो. आज नहीं है, कभी ना कभी तो सिलेबस में आ ही जाएंगी. तो मैं आप लोगों से चैप्टर नंबर या यूनिट नंबर 7 से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा. व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज वेरी सिंपल थिंग. यू शुड रिमेम्बर नेम ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दो इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, नहीं आपके सिलेबस में, स्टिल ट्राई टू रिमेम्बर इट. क्योंकि इस साल अगर रिमेम्बर हो गया, फाउंडेशन पे ही हो गया, तो इंटर पे कम से कम नाम याद नहीं रखना, स्टैंडर्ड याद रखना है. मतलब अंदर क्या लिखे, स्टैंडर्ड के नाम पहले से ही याद हो गए. और वो भी मैं सारे नहीं बता रहा हूं आपको, जो आपके बार बार एग्जांपल्स में आते रहते हैं वो आप कर लो. जो स्पेशल स्टैंडर्ड्स है, बहुत स्पेसिफिक है, जैसे कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स का एक स्टैंडर्ड है AS 21. कंसोलिडेशन समझता है ना, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी का होल्डिंग कंपनी में बैलेंस शीट मर्ज होता है, उसको कंसोलिडेशन बोलते हैं. वो AS 21 है, हाउ टू प्रिपेयर CFS, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. वो एक बार नहीं भी रखोगे चलेगा, लेकिन जो मेन मेन स्टैंडर्ड्स है जो बार बार डिस्कशन में आते रहते हैं उसका तो नाम याद रखो आप. वैसे तो 29 के 29 है, पढ़ लो एक बार जिंदगी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इस चैप्टर में उन्होंने क्या क्या लिखा है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डील विद. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों है दुनिया में, ये सब हमारा बहुत पहले बात हो चुका है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं होता तो क्या क्या नहीं होता. तो सबसे पहले तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको रिकॉग्निशन प्रिंसिपल बताता है कि किस चीज को क्या रिकॉग्नाइज करो. सो देयर विल बी लॉट ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको बताएगा कि इसको असेट नहीं रिकॉग्नाइज करने का. ये कैलसी है, वैसे तो देखने के लिए असेट है, लेकिन इसको असेट रिकॉग्नाइज नहीं करने का, क्योंकि ये इमटेरियल असेट है, इट इज नॉट अ. तो ये कहां पे कहना है तो लिखना पड़ेगा ना. तो ये रिकॉग्निशन प्रिंसिपल बताया आपको. रिकॉग्नाइज करना मतलब मैंने आपको सिखाया बहुत ही सिंपल, आप एग्जांपल पर्सनल लाइफ का, कि जब भी बेबी पैदा होता है किसी के भी घर में, तो यू आर क्यूरियस टू नो हिज जेंडर. तो आपको पता है कि उसका नाक देख के नहीं पता चलता इसका जेंडर क्या है, कान देख के नहीं पता चलता उसका जेंडर क्या है. आपको पता है कि आपको कहां देखना है, फिर पता चलेगा ये इसका जेंडर है. ओहो, आपके घर में लड़का हुआ है, वेरी गुड वेरी गुड. तो अगर आपको इतना क्लैरिटी है कि ये लड़का कब होता है और ये लड़की कब होता है, तो हो गया रिकॉग्निशन प्रिंसिपल. वैसे ही बैलेंस शीट में कौन सा असेट जाएगा, मतलब क्या असेट है, उसके कुछ कंडीशंस है, वो कंप्लाई करेगा तो ही वो असेट है. ये लिखा है AS 10 में, कुछ कंडीशंस कंप्लाई होने के बाद ही वो आपका रेवेन्यू बनता है. वो लिखा है AS 9 में, रेवेन्यू रिकॉग्निशन. उसका नाम ही देखो कैसा है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, कि रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करना है आपको. AS 7 बोलता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर आने वाले टाइम में आप एस्टिमेट करते हो कि आपको लॉस होने वाला है ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करके, तो आज ही उस लॉस को रिकॉर्ड कर दो, आज ही उसको बता दो शेयर होल्डर को. प्रूडेंस है, कंजर्वेटिज्म है, लेकिन किसी एस ने बोला करके ये हो रहा है. तो रिकॉग्निशन ही सिखाता है आपको कि किसको इनकम रिकॉग्नाइज करो, किसको एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करो, क्या लॉस है, क्या प्रॉफिट है, क्या असेट है, क्या लाइबिलिटी है. इसके कंडीशंस लिखे गए हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. मैंने क्या बोला समझा आपको? तो देखो, तो सबसे पहले तो रिकॉग्निशन सिखाता है हमें ट्रांजेक्शन एंड इवेंट. दूसरा हमको सिखाता है, ओके रिकॉग्नाइज तो कर लिया कि ये आपका असेट है, यू रिकॉग्नाइज इट, दिस इज योर असेट. नाउ At what value it should be recorded in balance sheet? इसको बोलते हैं measurement. अब इसको measure करो. Recognize तो कर लिया कि asset है. अब इसको क्या करो? Measure करो. क्योंकि अगर measure नहीं कर सकते तो asset होके भी कुछ फायदा नहीं है. जैसे employee मेरे asset है, लेकिन I cannot measure them. Measurement principle fail हो जाता है. Money measurement principle fail हो जाता है. तो though they are my asset, asset recognition के सारे condition वो comply भी कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं उनको record नहीं कर सकता.
तो मेजरमेंट प्रिंसिपल, मेजरिंग द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, मेजरमेंट पता चल गया, वेरी गुड। अब करंट असेट मिक्स असेट्स ऑफ मिक्स करके भेलपुरी बना के दो शेयर होल्डर को, समझे ही नहीं उनको क्या है, ऐसा है नहीं। प्रॉपर प्रेजेंट करो पहले नॉन करंट, नॉन करंट में भी फिक्स्ड असेट, फिक्स्ड असेट में भी टैंजिबल, और ऐसा जाता है ना, सबसे पहले नॉन करंट असेट होता है, नॉन करंट असेट उसको अंडरलाइन किया जाता है, उसके अंदर लिखा जाता है फिक्स असेट, फिक्स असेट के अंदर लिखा जाता है टेंजिबल असेट। तो कुछ टेंजिबल असेट होते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, और फिर इनटेंजिबल असेट। अब ये प्रेजेंटेशन कैसा एकदम क्लियर है। फिर कैपिटल डब्ल्यू आई पी, कैपिटल डब्ल्यू आई पी मतलब बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी ये बिल्डिंग बनी नहीं है, बन रही है, तो डब्ल्यू आई पी वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन, एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस खाली, वो स्टॉक का होता है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन है, फैक्ट्री अंडर कंस्ट्रक्शन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अलग होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अलग होता है, करंट असेट अलग होते हैं, नॉन करंट अलग होते हैं, करंट लाइबिलिटी अलग होता है, नॉन करंट अलग होता है, और उसमें भी करंट असेट में भी पहले आपको इन्वेंट्री ही लिखना है, फिर ट्रेड रिसीवेबल लिखना है, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखना है, मतलब उसका भी सिक्वेंस फिक्स है। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर को अगर कैश ढूंढना है तो पूरा बैलेंस शीट नहीं रीड करना है, उसको पता है मुझे कैश चाहिए, इस कंपनी में कैश बैलेंस कितना चाहिए, ओके जंप टू द करंट असेट, थर्ड पॉइंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्विक प्रेजेंटेशन प्रिंसिपल। मैंने क्या बताया था, खाली अकाउंट्स बनाना इंपॉर्टेंट नहीं, अकाउंट्स को प्रॉपरली प्रेजेंट करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो प्रेजेंटेशन प्रिंसिपल भी आपको सिखाया जाता है, कौन सिखाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कौन से ये सब कौन सिखाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिखाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया हर चीज में क्या करना पड़ता है, हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एट एंड ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको सिखाएगा कि इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आपको क्या डिस्क्लोज करना है, शेयर होल्डर को क्या बताना चाहिए आपको, तो डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। तो बताइए चार चीजें, चार चीजें आप अकाउंट्स में से निकाल दीजिए, इसमें से, इस चार चार्ट में से, इस चैप्टर में से चार ही चीजें सीखनी जैसी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के टाइप क्या होते हैं पता है आपको, टाइप ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सो देयर आर रिकॉग्निशन स्टैंडर्ड, देर आर मेजरमेंट स्टैंडर्ड, देर आर प्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड एंड देर आर डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। जैसे AS1, AS1 रिकॉग्निशन नहीं है, मेजरमेंट नहीं है, प्रेजेंटेशन नहीं है, AS1 क्या बताया, डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, क्योंकि उसका नाम ही है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, वो कुछ नहीं बताता आपको क्या रिकॉग्नाइज करना है नहीं क्या, वो वैल्यूएशन वगैरह की भी बात नहीं करता। लेकिन AS2 वैल्यूएशन स्टैंडर्ड है, AS2 क्या है, वैल्यूएशन मतलब वो कौन सी हो गई, मेजरमेंट स्टैंडर्ड हो गई, मेजर, अरे आप वैल्यू करें ना, कॉस्ट और एनआरयू विच एवर इज लोअर, मेजरमेंट हो गया ये ना। मैंने बोला पीपीई को, प्लांट एंड प्लांट परचेस एंड इक्विपमेंट को कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करो, कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड करो, कॉस्ट, मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर नहीं करने का, कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करने का, मेजरमेंट बता दिया मैंने आपको, ठीक है। थर्ड प्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड AS3, AS3 बताता है कैश फ्लो कैसे बनाने का, क्या कैसे बनाने का, कैश फ्लो। मैंने आपको पहले लेक्चर में जब एनुअल रिपोर्ट दिखाया था तो बैलेंस शीट भी दिखाया था, पीएनएल भी दिखाया था और कैश फ्लो भी दिखाया था। तो कैश फ्लो बनता कैसे, फॉर्मेट कैसा है कैश फ्लो का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में फर्क क्या है, वो कहां पे लिखा गया है, AS3। तो AS3 आपको मेजरमेंट नहीं पढ़ा था, AS3 आपको बताता है प्रेजेंट कैसे करो आप कैश फ्लो को, तो प्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड हो गई। अभी मैंने AS21 का नाम लिया, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब्सिडियरी और होल्डिंग कंपनी जब होती है, जैसे रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी, उसकी बहुत सारी सब्सिडियरी कंपनी होंगी, उनको मर्ज कैसे किया जाएगा, मतलब ये प्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड है। ये कौन सा स्टैंडर्ड है, तो अलग अलग स्टैंडर्ड्स होती है प्रेजेंट, तो ये चार वर्ड आपको यहां से याद रखने हैं, प्लीज याद रखो इसको, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। इसका भी चाहिए तो एब्रीवेशन बना दो, क्या क्या वर्ड आ रहे हैं देखो इसमें, आर है, एम है, पी है और डी है, क्या बना सकते हो इसको, RMPD, PM, DRPM, DRPM, तुमको जैसा याद रखने का तुम वैसा याद रखो, DRPM, डॉक्टर पीएम क्या बना रहे हो तुम लोग हाँ पीएम को हमारे डॉक्टर बना दिया, या DRPM भी बोल सकते हो, प्यारे पीएम, हाँ DRPM, जो भी तुमको समझ में आ रहा है, डिस्क्लोजर, रिकॉग्निशन, प्रेजेंटेशन एंड मेजरमेंट स्टैंडर्ड, ठीक है ना, जो आपको समझे। अपने को तो क्या वर्ड याद रखने हैं, अभी आप छोटे बच्चे हो तो ऐसा कुछ तो बताना पड़ता है, आगे जाके तो इन सारे वर्ड्स के ऊपर ही पूरी दुनिया बनी हुई है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, ठीक है। चलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सर बनने की प्रोसेस तो बताओ, जैसे अभी चाय कॉफी बनने की एक प्रोसेस होती होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनने का भी तो प्रोसेस बताओ, देख लो जनरल नॉलेज के लिए, पहले तो आइडेंटिफाई करो कि कौन से एरिया में स्टैंडर्ड की जरूरत है,
जो पहले से सेटल्ड है उधर स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत नहीं है। आप देखो वहां पे एरिया अनसेटल्ड है, कहां पे लोग कंफ्यूज है, वहां पे स्टैंडर्डाइजेशन आप लेकर आइए, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूट स्टडी ग्रुप, स्टडी ग्रुप समझ में आ रहा है, इंस्टीट्यूट करता है ये सब, सीए इंस्टीट्यूट का काम है। पहले तो वो लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से एरिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लॉन्च करनी है, फिर अच्छा उनको पता चला कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड इंडस्ट्री है, एक काम करते हैं हम कंस्ट्रक्शन के ऊपर एक स्टैंडर्ड लेकर आते हैं, क्योंकि उनका वैल्यूएशन कैसे करने का बहुत डिफिकल्ट है। आधा रोड बना हुआ है, आधा रोड बाकी है, अब इसका वैल्यूएशन करना है, आसान थोड़ी ना क्या है, इतना ईजी नहीं है। तो उन्होंने बोला कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमको क्या करना चाहिए, एक स्टैंडर्ड बनाना चाहिए। एंड आई एम वेरी लकी ब्लेस्ड कि मुझे जिन्होंने अकाउंट्स पढ़ाया है, जिनसे मैंने अकाउंट सिखाया, प्रसाद सर उनका नाम है, ही वाज अ वन ऑफ द मेंबर, वन ऑफ द लीडिंग मेंबर इन फैक्ट इन अ स्टडी ग्रुप जिन्होंने A7 बनाया। तो टेक्निकली मुझे उन्होंने अकाउंट्स पढ़ाया हुआ है जिन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया है। तो आई हैव लर्न फ्रॉम हिम, आई लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कभी कभी ऐसा होता है आपका, मैंने दो मेरे बड़े बड़े टीचर लोगों का नाम बताया अभी अभी तक आपको, एक तो जिसने जिंदगी सिखाई वो महताब सर है, वो तो कैसे यूट्यूब वगैरह पे अवेलेबल नहीं, तो मैं नहीं बता सकता। कल मैंने आपको, कल परसों टी एन मनोहरन जी के बारे में बताया था कि उनसे मैंने इनकम टैक्स के कुछ इंटरनेशनल टैक्सेशन के कुछ लेसन पढ़े, और मैंने आपको ये बता दिया कि उनके लेसन में हमको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, हमें तो एक ही चीज में इंटरेस्ट था कि इन्होंने सत्यम में क्या क्या किया कि वो रिवाइवल हो गया, डूबती हुई नाव को, मतलब टाइटैनिक बन गया था सत्यम, डूबती हुई नाव थी उसको किनारे कैसे लगा दिया। इट्स स्टोरी ऑफ सक्सेस, एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन दैट। चलती हुई नाव को तो कोई भी चला लेगा, डूबती हुई को चला के दिखाओ, एंड ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन डू, एंड ही इज अ एग्जांपल ऑफ दैट, रोल मॉडल फॉर अस, कि डूबती हुई कंपनी को भी हम चला सकते हैं। तो दैट्स द रीजन ही शुड बी रिस्पेक्टेड। जब यहाँ का नाम लेता हूँ, मैं स्टैंडर्ड्स का नाम लेता हूँ, और प्रसाद सर का मेरे माइंड में अगर नाम नहीं आया तो फिर आई एम नॉट अ राइट डिसाइपल। तो मैं कितना भी कर लूँ, मैं कितना भी बड़ा होने का ट्राई करूँ, उनसे बड़ा नहीं हो सकता जिनसे जिनसे मैंने सीखा हुआ है। तो लकी इनफ, क्योंकि ये सारे वर्ड्स आप लोगों के लिए थेरी है, हम लोगों को जब वो पढ़ाते थे हाउ ही फॉर्मुलेटेड और हाउ दे फॉर्मुलेटेड A7, सोचो कि उन्होंने जब बनाया ड्राफ्ट क्या होगा, वो सुनना कितना एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस होता है, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनने के बाद तो कोई भी पढ़ लेगा, बनता कैसे है ये अभी हम यहाँ पे स्टेप्स में पढ़ रहे हैं, लेकिन जिसने एक्चुअली बनाया हुआ है वो अगर बनेगा कि देखा, देख बेटा वो मैगी बोलने के लिए 2 मिनट्स है, ऐसा कट करके ऐसा डालने का ऐसा होता है, हो जाता है, लेकिन एक्चुअली अगर उसको बनाने जाओगे, टेस्टी बनाने जाओगे, तो देर इज लॉट ऑफ स्टेप, टाइम टेक, इट टेक्स टाइम, ठीक है ना। तो आपको वो तो रियल बना बताने वाले लोग भी होने चाहिए कुछ ना कुछ आपके लाइफ में। आप बोलोगे सर आप हमें कहाँ हाँ मिलेंगे ऐसे गुरु, आप जैसे ही मिल गए, हाँ आप अभी मार्केट में अच्छे से आए भी नहीं हो, अभी टाइम है आपको, 4-5 साल यहाँ रहना है इस मार्केट में, इसी मार्केट में आपको बड़े 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 गुरु बनने के लिए पहले बड़े शिष्य तो बनो, नहीं तो उन लोगों की बातें समझ में भी नहीं आएगी। आप जाओ टीएन मनोहरन का कोई यूट्यूब पे लेक्चर देखो, या कोई उनका कुछ भी बताया होगा उन्होंने, बहुत सारे उनके इंटरव्यू वगैरह हुए रहेंगे, यू विल नॉट इवन गेट व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, इफ आई एम प्रिज्यूमिंग, कुछ इंटेलिजेंट बच्चे होंगे तो आ जाएगा, लेकिन बड़े बड़े लोग क्या बात कर रहे हैं। आज CNBC पे जाके आप न्यूज देखो ना, आप इकोनॉमिक टाइम्स पे आप जाओ, आज इकोनॉमिक टाइम्स यहाँ पे तो मिलता भी नहीं अपने यहाँ पे न्यूज़पेपर, लेकिन आप इकोनॉमिक टाइम्स का जो डिजिटल कॉपी है आज वो जाके रीड करो उसकी वेबसाइट पे, आपको न्यूज समझ में ही नहीं आएगी कि हो क्या रहा है मार्केट में, क्योंकि आप मार्केट से डिसकनेक्टेड हो। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग दैट यू नीड टू इम्प्रूव ऑन, वंस यू आर इम्प्रूव्ड यू विल गेट द नेक्स्ट लेवल टीचर, लेवल 1 कंप्लीट करो तो लेवल 2 पे आओगे ना। तो इस जर्नी में जो आए हो आप, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, यू विल फाइंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल, मे बी फिजिकल मे बी वर्चुअल। मैंने मातृया को आज तक मेरी जिंदगी में नहीं देखा है, मैंने सदगुरु को आज तक मेरी जिंदगी में नहीं देखा है, बट पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल उनके लेसन पे हम बना रहे हैं। तो जरूरी कि उनको जाके मिलो देखो, उनके कॉन्टेक्ट में रहो, उनके लेसन इंपॉर्टेंट है, और मातृया ने खुद बोला है द मैसेंजर इज नॉट इंपॉर्टेंट, द मैसेज इटसेल्फ इज इंपॉर्टेंट। कौन बता रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्या बता रहा है वो इंपॉर्टेंट है। यू आर नॉट सपोज टू अप्रिशिएट द मैसेंजर, उसकी वाह वाह करो, ऐसे मैसेंजर को कभी नहीं लगता, आप उसकी मैसेज की वाह वाह करो, उसने क्या बताया उसकी वाह वाह करो। मात्रे के बहुत सेमिनार में टालियां बजाना अलाउड नहीं है, इट इज अलाउड टू क्लैप,
ताली बजाते रहोगे, आपको ना अरे क्या बात बोले, अरे सर एकदम मजेदार, क्या बात बोले, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वेल डन वेल डन। अरे साले ताली बजाने के लिए नहीं बता रहा था, वो मैसेज को आपको इंप्लीमेंट करना था अपनी लाइफ में, इसलिए बता रहा था वो। तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ गुरुज ऑन द वे, यू विल फील कनेक्टेड विद देम। राइट नाउ यू मे नॉट, बिकॉज यू आर टू यंग, यू आर नॉट सीन द रियल वर्जन ऑफ द लाइफ। अभी आपके माइंड में सब हैप्पी 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 होता है, द फ्यूचर इज कंप्लीटली अनसर्टेन, मोर चैलेंजिंग, थोड़ा टाइम लगेगा आपको वहां तक पहुंचने के लिए। कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल टॉपिक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनता कैसा है, मैंने रियलिटी में अपने गुरु से सीखा है। कुछ उसके तो पहले वो लोग क्या करते हैं, डिफिकल्ट एरिया आइडेंटिफाई करते हैं, फिर एक स्टडी ग्रुप फॉर्म होता है, फिर वो लोग लॉन्च नहीं कर सकते, दे कैन ओनली प्रिपेयर ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मतलब समझ रहा है ना, एक सजेस्टिव डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट होगा कि ऐसा होना चाहिए स्टैंडर्ड। वो ड्राफ्ट किसके पास जाएगा, वो ड्राफ्ट जाएगा इंस्टीट्यूट के पास, फिर इंस्टीट्यूट क्या करेगा, इंस्टीट्यूट सारे मेंबर्स होते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं इंस्टीट्यूट के, मतलब इंक्लूडिंग मी एंड टुमारो इंक्लूडिंग यू, ठीक है ना, आपका ओपिनियन, आपके कमेंट उसके ऊपर इनवाइट किए जाते हैं, आपको ईमेल आता है इंस्टीट्यूट से, ठीक है ना, ऐसे आपको ईमेल भेजती है, लिटरली आपका ओपिनियन मांगा जाता है, ठीक है ना। देखता हूँ अभी कोई मेरे पास, अरे ऐसे क्यों खोला मैंने, जीमेल ओपन करना था।